जहाँ पे रेल बड़ा हादसा हुआ है वहीं पे तमाम अधिकारियों के द्वारा और रेस्क्यू टीम वहाँ पे मौजूद हो गई है, और रेस्क्यू टीम के द्वारा किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही एक डेड बॉडी निकाली गई, और फिलहाल कितनी डेड बॉडियाँ है अभी तक 4 डेड बॉडी निकलने की बात कही जा रही है, लेकिन और भी कितनी डेड बॉडियाँ है वो तस्वीरें जो आएगी वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए रेल हादसा जो हुआ है उसकी तस्वीर, भयावह तस्वीर बनी हुई है, और भी बॉडियाँ निकालने के लिए जो राहत बचाव दल है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से अधिकारी ऊपर चढ़ करके ट्रेन के बोगी पर जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेल हादसा, बड़ा रेल हादसा हुआ है जो रघुनाथपुर में हुआ है, और इसमें से यात्रियों को निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो यह तस्वीर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे जो अधिकारी है वो भी मौजूद हो गए, जिला अधिकारी अंशुल अग्रवाल भी मौजूद है, तमाम रेल अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हो गए हैं, और जिस तरीके से डेड बॉडी को निकाली जा रही है फिलहाल किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, रेल बड़ा हादसा हुआ है। और अगर बात करें तो आनंद विहार से लेकर के ये गुवाहाटी तक जाने वाली, कामाख्या तक जाने वाली ट्रेन थी जिस ट्रेन का रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है, लेकिन हादसे की कोई अभी तक वजह सामने निकल करके नहीं आई कि ये हादसा जो है वो कैसे हुआ है। तो फिलहाल जो तस्वीर निकल रही है वो हम दिखा रहे हैं आपको, देखें किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, और यहाँ पे आसपास के लोग और तमाम अधिकारी सब मौजूद हुए हैं। तो प्रवेश कर लिया गया है, इसमें हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। सर अभी जो घायलों की संख्या लगभग कितनी है? सर घायलों की संख्या लगभग 80 से 100। मृत सर मृत अभी लोग 4 से 5 है लगभग, हम लोग आंकड़ा जो कुछ देर में अगर पुष्टि हो जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्या स्थिति है सर अभी? अस्पताल आप लोग देख सकते हैं, PHC रघुनाथपुर पूरी तरीके से तैयार है, जो भी थोड़ा सा भी लगा कि क्रिटिकली या सीवियरली इंजर्ड है उसको हम लोगों ने ऐसे 23 पेशेंट को पटना भी रेफर कर दिया है, हमारी एम्बुलेंस उसको छोड़ के आई। दुर्घटना किस तरह से हुई? नहीं, इस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। ठीक है सर, इधर दुर्घटना के चूक का कारण क्या होगा? देखिए अभी दुर्घटना के चूक के कारणों का तो हम लोग अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। आप लोग देख सकते हैं कि अभी तो हम लोग पहला, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं उनका रेस्क्यू हो जाए, वो अपने अपने कस्टडी में। रेलवे लाइन है उस पर घायलों की संख्या करीब 80 करीब है, और सर क्या लगता है कोई साजिश है? देखिए घटना के कारणों का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा, और उसके बाद ही उनके कारणों पर कोई टिप्पणी करी जा सकती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तरुण प्रकाश है। सर आपका? जीएम सर है हमारे, प्रबंधक। तो फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं बिहार के साथ, बक्सर सैनी सुखमानी की रिपोर्ट।